हाय, सबका फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल में। और आज की वीडियो कोई भी फ्लूट लेसन नहीं है, आज की वीडियो सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पे मैं बनाने वाला हूँ। तो कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि पूनम फ्लूट्स की सी स्केल की जो फ्लूट है उसकी मेजरमेंट्स, उसके डायमीटर्स, ये सब हमें दे दो। तो आज के वीडियो में हम वही करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने पूनम फ्लूट्स के क्लियरेंस सेल के बारे में एक वीडियो बनाई थी, वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला सब लोगों का, बहुत लोगों ने उसको लाइक किया। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए कि आपको उस फ्लूट से कितने पैसे मिले, या फिर पूनम फ्लूट के तरफ से आपको कितने पैसे मिले, ये स्पॉन्सर वीडियो है तो आप इतनी महंगी फ्लूट बेच रहे हो तो उसमें से कितना हिस्सा आपको मिलता है, या फिर इस तरह की स्पॉन्सर वीडियो वाली बातें की। तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी अब तक की जितनी भी वीडियोज़ है उसमें से एक भी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं भी आप ही की तरह एक नॉर्मल कस्टमर हूँ, मैं भी पैसे दे के ही फ्लूट को ख़रीदता हूँ। और मैं सबको पूनम फ्लूट्स रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि पर्सनली मुझे उसकी बिल्ड क्वालिटी और उसकी ओवरऑल कंसिस्टेंसी या फिर टोनल क्वालिटी वो अच्छी लगती है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ। बाकी पूनम फ्लूट्स के साथ मेरा कोई कमर्शियल, इकोनॉमिकल या फिर पर्सनल कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये एक बात आप क्लियर कर लो। और फिर अब हम इस मेजरमेंट्स को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसकी ओवरऑल लेंथ देखते हैं। तो इसकी ओवरऑल लेंथ है 19.5 इंचेस, और अगर सेंटीमीटर में हम देखें तो लगभग 50 सेंटीमीटर है पूरी ओवरऑल लेंथ। और अब इसके हर एक होल को मेजर करते हैं। तो कभी भी जब हम फ्लूट मेजर करेंगे तो जिसका एंड है वहाँ से हम मेजर करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं मेजर करेंगे, क्योंकि ये जो लेंथ है आगे की ये कोई मैटर नहीं करती। जहाँ से कॉर्क बंद होता है वहाँ से हमारी लेंथ मैटर करती है, तो ये आगे का जो हिस्सा है वो हम कितना भी बना सकते हैं। तो इसका जो आखिरी होल है जिसको हम ट्यूनिंग होल बोलते हैं वो है करीब 3.8 सेंटीमीटर्स पे है। फिर उसके बाद इसका जो पो का होल होता है, होल नंबर 6, वो है 8.5 पे है। उसके बाद उसका जो ध का होल है वो है 12.5। फिर उसके बाद ये नी का जो होल है वो है 14.5। फिर उसके बाद इसका जो सा का होल है, होल नंबर 3, वो है 18.4 इसके करीब है। फिर उसके बाद इसका रे का जो होल है, होल नंबर 2, वो है 21.5। फिर उसके बाद म का जो होल है, पहला होल, वो है 24.5, आप देख सकते हैं। और इसका जो ब्लोइंग होल है वो है अब इसके डायमीटर्स देखते हैं। ये होल नंबर 7, सातवां होल जिसको हम ट्यूनिंग होल बोलते हैं, एंड से पहला होल, उसका डायमीटर है 9 mm है। उसके बाद ये जो प का होल है, होल नंबर 6, उसका है 11 mm या 10.5
10.5 है, 10.5। उसके बाद जो ध का होल है, होल नंबर 5, उसका है 11, परफेक्टली 11 mm है या 1.1 सेंटीमीटर। फिर नी का जो होल है उसका है 10 mm या फिर 1 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये तीसरा होल है सा का, सा नोट का होल, उसका है 10.8 mm या फिर आप 1.1 सेंटीमीटर का बना सकते हैं। उसके बाद ये रे का जो होल है, होल नंबर 2, वो भी 1.1 सेंटीमीटर या फिर 11 mm। उसके बाद ये जो म का होल है वो भी 1.1 सेंटीमीटर या फिर 11 mm। और ये जो ब्लोइंग होल है ये है 11.5 mm, मतलब 1.15 सेंटीमीटर्स, 12 mm से थोड़ा सा कम है, 1.12 सेंटीमीटर्स से थोड़ा सा कम है। और इसकी लंबाई अगर देखें तो लंबाई 12 mm है, क्योंकि ये ब्लोइंग होल पूरा गोल नहीं होता, थोड़ा सा वो लंबा होता है। तो ये 12 mm और 11.5 mm इस तरह का बना है। और अब फ्लूट का जो मेन डायमीटर है, बाम्बू का डायमीटर 19.5 mm, और इसकी जो थिकनेस है बाम्बू की वो है 2 mm से थोड़ा सा कम है, तो 2 mm है, 2 mm से थोड़ी सी कम है। तो ये थी पूनम फ्लूट्स के सी स्केल की डायमेंशंस। जाने से पहले मैं आपको एक बताता हूँ कि हर एक फ्लूट की जो डायमेंशंस होती है वो उसके डायमीटर और थिकनेस पे डिपेंड करती है। तो अगर आपके बाम्बू का डायमीटर और थिकनेस सेम है तो ही ये डायमेंशंस आपको फायदेमंद होगी, तो ही सी स्केल की फ्लूट बनेगी। तो हर एक फ्लूट के डायमेंशंस थोड़े अलग हो सकते हैं जो उसके डायमीटर और थिकनेस पे डिपेंड होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फ्लूट के कुछ लेसन्स को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।